हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको फ्लेक्स इंजन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्लेक्स इंजन्स ये हिंदुस्तान में आप मान के चलिए हमारा फ्यूचर, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कह रहे हैं तो उसके आसपास, बल्कि उससे पहले मैं कहूँगा फ्लेक्स इंजन्स काफ़ी हद तक रूल करने वाले हमारी इंडस्ट्री को। फ्लेक्स इंजन्स दरअसल होते क्या हैं? ये वैसे इंजन्स होते हैं जिन्हें थोड़ा स्पेशली एक किसी तरह से बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें इथेनॉल डलता है। अब आप पूछेंगे इथेनॉल क्या है। इथेनॉल दरअसल एक तरह का पेट्रोल है, फ्यूल है जो आपकी गाड़ी में डलता है, बट इसमें 50% पेट्रोल होता है, 50% एथेनॉल होता है। इसीलिए मैं इसे एथेनॉल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एथेनॉल मिला हुआ था 50% विद द पेट्रोल। अब ये बनता कैसे? ये बनता है हमारे गन्नों से, हमारे खेत के गन्नों से, शुगर केन से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुगर केन इंडस्ट्री में इंडिया बहुत अच्छा है, एक्सेस में हमारे यहाँ ग्रो होता है गन्ना, तो उससे ये बनता है तो काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है, काफ़ी चीप रहता है और पॉल्यूशन नहीं करती इससे गाड़ियाँ। तो अगर ये इंडिया में लागू होता है तो बहुत अच्छा मूव रहेगा, पॉल्यूशन कम होगा, इकोनॉमिकल रहेगा और उसके साथ ही हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हमारे फार्मर्स को, किसानों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि गन्ना तो अल्टीमेटली उन्हीं को बेचना है, तो उन्हें भी पैसे कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। अब इंडिया ही नहीं है जो फ्लेक्स इंजन्स पे काम कर रहा है, ब्राज़ील, कनाडा, इवन यूएसए, ये भी फ्लेक्स इंजन्स में ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी देश तो इसमें घुसना चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह उनकी ज़मीन हमारे इंडिया की तरह फर्टाइल हो तो वो शुगर केन को उगा के उससे इथेनॉल डेवलप करके फ्लेक्स इंजन्स को रेडी कर लें अपनी कार्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल पॉल्यूशन जो हम देख रहे हैं और जो पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी है क्योंकि महंगे हैं, और तो इस वजह से लोग काफ़ी इसकी ओर बढ़ना चाह रहे हैं। इंडिया में कब तक आ जाएगा ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है ये कहीं ना कहीं, और बट मेरा मानना है कि इस साल एंड से या नेक्स्ट ईयर आपको काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और ये कहीं हद तक आपको इथेनॉल बिकने लग जाएगा या फ्लेक्स इंजन्स इंडिया में आ जाएंगे। अब इसका एक डाउन साइड भी है क्योंकि मैंने पॉजिटिव्स बताए हैं कि अगर आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, ये इकोनॉमिकल होगा, तो आप मान के चलिए लगभग 65 रुपीज़ लीटर इथेनॉल मिलेगा, और जहाँ में ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में आज पेट्रोल मिलता है तो आपको चीपर ज़रूर होगा, इकोनॉमिकल ज़रूर होगा, पॉल्यूशन तो कम करेगा ही। बट अगर हम डाउन साइड देखें तो परफॉर्मेंस को लेके थोड़ी सी शंका है क्योंकि जिस तरह पावर जनरेट करेगा पेट्रोल के मुकाबले आई एम श्योर ही कम रहेगी, तो आपको परफॉर्मेंस में, पिकअप वगैरह में थोड़ा इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों की डिलीवरीज इस साल प्लान्ड हैं, कुछ मंथ्स में प्लान्ड है, क्या आपको इथेनॉल वाली फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियों के लिए वेट करना चाहिए, अपनी गाड़ी को ले लेना चाहिए? जी, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स ले रहे हैं या डीजल कार्स ले रहे हैं तो आप आँख बंद करके अभी उन्हें ले लें, आप बहुत खुश रहेंगे। ऑलरेडी गाड़ियों की बहुत डिमांड है, शॉर्टेज है, बुकिंग्स लगी, तो अपनी गाड़ी को ज़रूर ले लें। जो पेट्रोल बायर्स हैं या सीएनजी बायर्स हैं, आई थिंक आप भी अपनी गाड़ी को ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि फ्लेक्स इंजन अभी इंडिया में आए नहीं है, इसकी खबर है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो कब तक ये लागू होगा, कब अप्लाई होगा, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, आप उसकी रिलायबिलिटी को देखेंगे, तब जाके कहीं आप उसे लेंगे। डोंट थिंक आपको इतना रुकना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी की बुकिंग्स लगी हैं, प्लान्ड है डिलीवरीज, तो आप ज़रूर अपनी गाड़ी को ले सकते हैं। बट ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा मैं आपको दे दूँ, और उसके साथ ही आपको ये भी नहीं घबराना कि आपकी गाड़ी अगर आप अभी लेते हैं और फ्यूचर में फ्लेक्स इंजन्स आ जाएंगे जो इथेनॉल से चलेंगे तो क्या हमारी गाड़ी का इंजन को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सिर्फ इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल या डीजल तो नहीं उपलब्ध होगा, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इथेनॉल बेस्ड एक पेट्रोल डीजल का अलग से वो लगा देगी, जैसे अभी ऑलरेडी आपने देखा होगा एक नॉर्मल पेट्रोल आता है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड का आता है, वैसी इथेनॉल बेस्ड एक आएगा उन गाड़ियों के लिए। हमारी जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके लिए काफ़ी सालों तक पेट्रोल डीजल रहेगा नॉर्मल, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गाड़ियाँ आउटडेटेड हो जाएंगी, आपके इंजन्स के लिए, गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल नॉर्मल भी मिलेगा, इथेनॉल वाला नई गाड़ियों के लिए आएगा जिनमें फ्लेक्स इंजन्स लगे होंगे जो उन्हें बाई करेंगे वो। उसके साथ ही में फ्लेक्स इंजन्स अगर आएंगे तो आई एम श्योर टेक्नोलॉजी की वजह से वो इंजन्स काफ़ी, वो गाड़ियाँ थोड़ी महंगी भी होंगे, तो वो भी एक पॉइंट है। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आपको बता दूँ, शेयर करूँ आपसे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझसे कुछ भी बात कर सकते हैं या कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।
आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम है CHATURVEDIAMAN चतुर्वेदी अमन। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।